कार जोहार। आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। एक दिन वो भी था जब 6 सितंबर के दिन धारा 377 हटाई गई थी, और कल वो फिर से खुशी का दिन हमारे लिए झारखंड में आया जब झारखंड सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया कि हमें पेंशन योजना से जोड़ा गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि झारखंड सरकार ने पहली बार हमारे बारे इतना अच्छा फैसला लिया। आज तक हम लड़ते आए, आज तक अपनी समस्याओं को बताते आए, हमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वाराणसी हो, जमशेदपुर हो, चाईबासा हो, सरायकेला हो, रामगढ़ हो, बाकी अन्य जगहों पर जाकर भी वहाँ के जितने जिला पदाधिकारी हैं उनको भी हमने सचेत कराया कि हमारे लिए कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है। एक खुशी थी जब 6 सितंबर के दिन धारा 377 हटी और हम आज़ाद हुए, हमें आज़ादी मिली। और आज एक खुशी हमें ये मिली कि इतना अच्छा फैसला झारखंड सरकार ने पहली बार हमारे लिए लिया, और आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि झारखंड में भी हमें समानता का अधिकार मिल पाया। और आगे मैं झारखंड सरकार से ही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि सरकार वेलफेयर बोर्ड का भी निर्माण करे जिसमें हमारे लिए और भी कार्य हो सके। सभी राज्यों में वेलफेयर बोर्ड बन चुके हैं लेकिन झारखंड इसमें अभी भी पीछे है। नालसा जजमेंट में 2014 ने ही यह फैसला दे दिया था कि सभी राज्य सरकारों को वेलफेयर बोर्ड बनाना है, लेकिन झारखंड में आज तक वेलफेयर बोर्ड नहीं बन पाया है। तो मैं हेमंत सरकार से और झारखंड सरकार से ही विनती करती हूँ कि इतना अच्छा फैसला आपने लिया है तो आप जो पेंशन योजना से आप सबको जोड़ रहे हैं उनमें टीजी कार्ड का प्रावधान रहे, टीजी कार्ड के माध्यम से सभी को पेंशन मिले ताकि हम भी एक आंकड़े में दिख सके। साथ ही आपसे दरखास्त मैं ये भी करना चाहूँगी कि आप हमारे लिए वेलफेयर बोर्ड भी बनाए ताकि हम अच्छे से और कार्य कर सके, हमारे लिए और अच्छे कार्य हो सके, ताकि चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से होने पाए झारखंड में। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पूरे तितलिंग समुदाय की तरफ से। मैं अमरजीत, सबने न्यूज़ पे देखा होगा हमारे जो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने हमारे ट्रांस बहनों के लिए, हम सब के लिए आरक्षण निकाले हैं और ओबीसी कैटेगरी में हमें डाले हैं। उनके लिए मैं अपने झारखंड वासी और अपने तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी कि वो हमारे लिए सोचे। और मैं चाहूँगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सब जगहों पर भी हमारे लिए आरक्षण आए ताकि हम सब भी हर जगह पर हर फील्ड पर कार्य करते हुए दिखें। जैसे हमारे टाटा स्टील ने हमारे लिए सोचा, जैसे मैं टाटा स्टील कलिंगा नगर उड़ीसा में जॉब कर रही हूँ और भी हमारी बहनें हैं जो जॉब नहीं कर रही है, वो सब दूसरी फील्ड पे जाना चाह रही है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगी कि और भी वैकेंसी निकालें ताकि हमारी बहनें हर फील्ड पर नजर आए कार्य करते हुए। और इन चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। इस तरह से जो हासिल है उनको एक फायदा देने का काम किया आपने। अभी तो एक कदम बढ़े हैं इनके क्षेत्र जहाँ जिसके बारे में कभी कोई सोचता नहीं था, उसको भी आज सरकार और उनके तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया। अभी यहीं तक बात खत्म नहीं हुई। आज का यह निर्णय और इसका परिणाम बहुत दूर तक ले जाने का प्रयास है सरकार, ताकि राज्य का हर नागरिक समान अधिकार, समान सम्मान मिले, इस पर सरकार सिर्फ इसी पर नहीं, सरकार वर्तमान राज्य के जनभावना और इस राज्य के जनमानस के भावनाओं के अनुरूप अपने निर्णय के साथ आए हुए।